क्या राहुल वैद्य हो गए हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 से एलिमिनेट? ये क्या खबर सामने आ रही है जिसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन राहुल वैद्य फैंस का दिल तोड़ने वाली ये खबर एक्चुअली है क्या? चलिए बता देती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 राहुल वैद्य के एलिमिनेट होने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, उनका सफर जो था काफी बैंग से शुरू हुआ था। एवरीबॉडी वाज रियली एक्साइटेड टू सी हिम ऑन दिस शो, और अब ये खबरें आ रही हैं कि राहुल वैद्य हैज लॉस्ट दिस शो ऑलरेडी। जी हाँ, दरअसल ये खबरें तब तेज हुई जब ग्रुप फोटो और फिर एक बॉयज गैंग फोटो भी सामने आई फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी सेट्स। वरुण सूद ने जो है बॉयज गैंग का पूरा वीडियो शेयर किया है जिसमें बाकी सारे लड़के नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर राहुल वैद्य। वही दिव्यांका त्रिपाठी, श्वेता तिवारी जैसी एक्ट्रेसेस ने ग्रुप फोटो शेयर की है। अगेन एवरीबॉडी इज देयर एक्सेप्ट फॉर राहुल वैद्य एंड विशाल आदित्य सिंह। वही विशाल आदित्य सिंह बॉयज गैंग में नजर आ जा रहे हैं, तो एक बार फिर से जो है ये चीज मान ली जा रही है दैट ही माइट बी देयर ऑन द सेट्स, लेकिन राहुल वैद्य की एब्सेंस हम सभी को टेंस्ड कर दे रही है। ऐसे में क्या राहुल वैद्य का हो गया है सफर खत्म खतरों के खिलाड़ी से? खैर, मैं आपको ये चीज बता दूं कि अभी इस तरीके से एलिमिनेशंस डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, तभी सभी खिलाड़ियों को केप टाउन में ही रखा जा रहा है। इससे पहले विशाल की एलिमिनेशन की खबरें आ रही थी, निकी की एलिमिनेशन की खबरें आ रही थी, बट नो बडी हैज बीन सेंट बैक टू इंडिया, नो बडी हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सेट्स। तो ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि ये खबरें बिल्कुल ही इनर्ट रहे, किसी को भी पता ना चले। तो अगर ऐसी खबरें आ भी रही हैं तो वी कैन जस्ट अज्यूम थिंग्स, बट वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ देम, क्योंकि मेकर्स पूरी तरीके से इसको कंसील करके, इसको छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन एलिमिनेट हो रहा है या फिर किसका सफर जो है खतरों के खिलाड़ी से खत्म हो रहा है। सो देयर इज नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ, जब तक एक पुख्ता खबर नहीं आ जाती है, और वो जो है मुझे लग रहा है शो के स्टार्ट होने पर ही आएगी। सो यू ऑल हैव टू जस्ट चिल आउट, और देखने वाले सफर में देखने वाली ये बात रहेगी कि क्या राहुल का सफर एक्चुअली खत्म भी हुआ था कि नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।